लीजेंड्स ऑफ रामायण विद अमीश और अमीश जी आज हमारे साथ में हैं जो ऐसा सौभाग्य बहुत कम प्राप्त होता है <laughs> तो खुद वो साक्षात हमारे साथ है और रामायण और शिवा जिसके लिए वो जाने जाते हैं मतलब उनसे ज़्यादा दोनों का नॉलेज अगर है तो उनके बाद यही है तो आपने तो एम्बेज कर दिया नूपुर आप मतलब इंटरव्यू के मैं लेखक हूँ आपने मेरी बोलती बंद कर दी <laughs> तो बताइए ऑफ रामायण एक बार फिर डॉक्यूमेंट्री सीरीज के रूप में आ रहा है देखिए ये जो है ये डिस्कवरी ओरिजिनल्स का एक डॉक्यूमेंट्री है uh, तो देखिए रामायण का सही अनुवाद है द जर्नी ऑफ राम रामायण तो uh, प्रभु श्री राम का जो पथ था जो पद चिन्ह थे अयोध्या से लंका तक, तो उसी पथ पर हम चल रहे हैं ये एक तरह से एक ट्रैवलॉग है तो अयोध्या प्रयागराज चित्रकूट नासिक हम्पी जो प्राचीन किशकधा वो एक्चुअली हम्पी है रामेश्वरम श्रीलंका में सेगेरिया जो कहते हैं रावण की राजधानी थी तो ये सब जगह और कई और भी क्षेत्र लंका में तो ये सब जगहों पर हम जाएंगे हम हम गए हैं एक्सपर्ट्स आए है हमारे साथ देखिए रामायण की कहानी से कौन नहीं हर हर भारतवासी जानते हैं आपका जो भी पंथ हो जो भी जेंडर हो जो भी भाषा आप बोलते हो सब जानते हैं रामायण की कहानी सब फमिलियर हैं लेकिन इसके कई पहलू कई डिटेल्स हैं जो हम जानते नहीं हैं तो एक तरह से रामायण हमारे लिए फमिलियर भी है लेकिन कई पहलू हम जानते भी नहीं हैं जैसे कई लोग नहीं जानते होंगे कि रामायण के कुछ वर्जन हैं जिसमें प्रभु श्री राम की एक बड़ी बहन थी शांता तो उन उस पहलू को हमने एक्सप्लोर किया वाल्मीकि जी ने चित्रकूट में कहा था कि एक गुप्त गोदावरी है एक अंडरग्राउंड रिवर और तो हम जो डिस्कवरी टीम थी ये गुफाओं में जाके उनने खोजा और ढूंढा इस अंडरग्राउंड रिवर को वहाँ पे हमने शूट किया तो मैं और एक हाइड्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट जो आए थे रामेश्वरम में हमने ऐसे पत्थर ढूंढे जो सिर्फ़ उस इलाके में पाए जाते हैं डिस्कवरी ने एक जियोलॉजिस्ट को भेजा वहाँ पे पहले से ही जिसने जाके वहाँ पे शोध किया रिसर्च किया और वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे पत्थर मिले और उसने हमें मुझे मतलब कैमरा पे दिखाए कि ऐसे पत्थर जिनमें इतनी शक्ति है कि उसे स्ट्रक्चर में चर्च बनाने में इस्तेमाल किया गया आधुनिक ज़माने में पोर्टोगीज़ ने चर्च बनाया तो उसने हमें वो पत्थर दिखा है मतलब इतनी शक्ति है कि चर्च को लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है लेकिन आप उठाएं तो इतना हल्का तो क्या ये वो फ्लोटिंग स्टोन है कि जिसमें इतनी शक्ति है कि स्ट्रक्चर भी कर रही है और लाइट भी इतनी कि, आ, कि आप आसान से उठा लें शायद फ्लोट भी करें तो ये सब हम दर्शा रहे हैं आ, इसमें और देखिए डिस्कवरी है तो एकदम प्रोफेशनल वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्री विद यू नो ड्रोन कैमरा क्रू इतना बड़ा जैसे एक छोटी पिक्चर हो तो इट्स वेरी प्रोफेशनल लेकिन आप देखेंगे जो कई हद तक जो वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्रीज़ बनते हैं हमारे संस्कृति के ऊपर हमारे कहानियों के ऊपर कई बार मज़ाक उड़ाते हैं रिस्पेक्टफुली नहीं बनाते हैं, लेकिन डिस्कवरी ने एकदम रिस्पेक्टफुली बनाया है तो आई एम तो वेरी प्राउड ऑफ दिस सीरीज़ अच्छा बनाए आशा है आप सबको पसंद आएगी तो लोगों को कुछ नए पहलुओं के बारे में जानने को मिलेगा एक नया नॉलेज एक आप लेकर आए हैं इस बार अरे आप बोले अंडरग्राउंड रिवर गुप्त गोदावरी और वो हम आप हमने वो गुफा में शूट किया आ, तो वहाँ पे गए हम भी जो लो, लोग कई लोगों को नहीं मालूम वो प्राचीन किशकिंदा वही था जो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो मानते भी थे कि वो किशकिधा ट्रेडिशंस के इनहेरिटर्स हैं और आ, ये आ, देव आ, ये राया जो कृष्णदेव राया के वंश के हमने एक डिसेंडेंट से वो एक्सपर्ट थे उस समय तो बहुत ही अच्छा सीरीज़ बनाया और कई जगह हम लोग ऐसे गए एक्सपर्ट्स ने हमने बताया लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ कभी टीवी कैमरा आया ही नहीं तो ऐसे ऐसे देश के ऐसे भाग जिन्हों जहाँ पे श्री राम चले थे हजारों साल पहले और जहाँ कभी टीवी कैमरा गया नहीं वो सब हम आप आपको दिखाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स से ऑडियंस से है आप सबको पसंद आएगी हमने डिस्कवरी वाइड एंगल सबने श्रद्धा प्रेम रैशनलिज्म से बनाया है ये सीरीज़ को क्रू में कई पंथ के लोग थे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और आस्था इतनी बन गई थी कि हर दिन पे हर कोई कहता था जय श्री राम और जो यंगर कूल लोग थे वो कहते थे जय एस आर जय श्री राम का अब्रीविएशन आशा है आप, आप सबको पसंद आएगी जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें और जाते जाते ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस साल की और क्या कृतियाँ आपके द्वारा प्रस्तुत होने वाली मेरी वॉर ऑफ लंका तो प्रकाशित होगी जो रामचंद्र श्रृंखला की जो चौथी किताब है पुस्तक जो है पुस्तक तैयार हो गई है तो अभी कुछ महीनों में प्रकाशित हो जाएगी फिर शिवा ट्रेलिजी एक वेब सीरीज़ में तब्दील हो रही है तो वो अनाउंसमेंट हमने किया भी था कुछ हफ्तों पहले रॉय प्राइज़ जो हॉलीवुड के बहुत ही नामी बड़े प्रोड्यूसर हैं शेखर कपूर और विनिंग फिल्म डायरेक्टर और सुपार मनवा जो फैमिली मैन के जो क्रिएटर थे तो ऐसी टीम बनी है तो आशा है कि बहुत अच्छी सीरीज़ बनेगी और जो सुहेल देव मेरी पुस्तक पुस्तक थी उसे तो फिल्म में मैं मेरी कंपनी खुद ही प्रोड्यूस कर रही है कुछ पार्टनर्स के साथ तो बहुत काम चल रहा है ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू थैंक यू